The question is that there are 10 points in a plane. Out of these, 6 are collinear. And if n is the number of triangles formed by joining these planes, then हमें बताना हमारा कौन सा option जो है correct होगा. ठीक है, तो हमें given है 10 points. ठीक है, एक प्लेन पे. तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल कितने बन सकते हैं हमारे पास? ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए हमें? 3. ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल 10 पॉइंट्स है. टोटल में से 3 हमें ट्राइंगल बनाने के लिए चाहिए, लेकिन हमें कंडीशन गिवन है कि जो 6 पॉइंट्स हैं उनमें से जो 6 पॉइंट्स है दे आर लीनियर पॉइंट्स, तो वो एक लाइन पे लाई करते हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड, सो वी हैव टू सबट्रैक्ट दीज केसेस, दैट इज 6C3. मतलब ये हमारे पास 6 जो है लीनियर पॉइंट्स हैं. ठीक है, अब ट्राइंगल जो है लीनियर पॉइंट से तो बनता नहीं है, सिर्फ उनमें से 2 लीनियर हो सकते हैं और एक नॉन लीनियर उन दोनों से. ठीक है, तो अब हमारे पास ट्राइंगल, लेकिन यहाँ पर तो 3 है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल केसेस है कि टोटल 10 पॉइंट से हम कितने ट्राइंगल बना सकते हैं, उसमें से हम माइनस कर देंगे वो केस जिससे हम इन पॉइंट्स को यूज करके जो है ट्राइंगल बना सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास वो पॉसिबिलिटी आ जाएगी कि कितने ट्राइंगल हम बना सकते हैं इन पॉइंट्स को ना यूज करके. ठीक है, ये टोटल है. ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे वो पॉसिबल ट्राइंगल्स जो हम इन पॉइंट्स को यूज करके बना सकते हैं, तो हमारे पास वो ट्राइंगल्स आ जाएंगे जो इन पॉइंट्स को यूज करके नहीं बने. ठीक है, जो कि हमें निकालना है. तो इट मीन्स 10C3 माइनस 6C3. ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करते हैं, लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. ठीक है, तो इन्हें सोल्व करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 120 माइनस 20 डेट इज 100. तो एन जो है इट वुड बी इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 100. तो यहाँ से हमारा जो बी पार्ट होगा वो करेक्ट होगा.